بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं हसन ट्रिप ऑफिशियल। तो जी आज हम जा रहे हैं सियालकोट के अंदर हैदरमराला देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आपने वीडियो में बने रहना है, बहुत ही यूनिक चीज़ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी जो मेन चीज़ है वो थोड़ा सा आगे जाके भी अभी यहाँ पे आ जाएगी। ये जो ब्रिज है यहाँ पे जो नीचे दरे बने हुए हैं और इसी का इसी नाम है हैदरमराला। अभी मैं आपको जाके पूरा विजिट कराता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि दूर दूर तक सिर्फ आपको पानी नजर आ रहा है, ना कोई। अभी मैं आपको उस जगह पे लेके जाता हूँ जहाँ पे दरे खुले हुए हैं। उधर ज़्यादा ठंड है और धुंध है और यहाँ पे इतनी गर्मी में हम लोग आए हैं, लेकिन इधर बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही, बल्कि हमें ठंड लग रही है। अब आप इस सड़क पे देख पा रहे हैं कि कोई रश नहीं है, क्योंकि इधर के दरे नहीं खुले, आगे के दरे खुले हैं, इसलिए सारे लोग उधर चले गए हैं। जहाँ पे दरे खुले हैं मैं आपको उधर जाके दिखाता हूँ कि उधर का क्या सीन है। यहाँ पे जी मैं गाड़ी से उतर चुका हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो पानी है वो कितनी स्पीडों में जा रहा है। अभी आ कहाँ रहा है, ऐसे मैं आ कहाँ से रहा है, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि नीचे ही कितनी स्पीड में पानी आ रहा है। ये जो गेट अगर पूरा खुले तो ये जो पुल है वो भी गिरने का खतरा है, तो इसलिए इन्होंने अपनी लिमिट के हिसाब से रखा है जितना पीछे से पानी आ रहा है। यहाँ पे खड़ा फौजी जवान जो कि हम सारों को इस सिस्टम के बारे में बता रहा था, अब हम उसकी दास्तान सुनते हैं। लाइन से पानी आ रहा है, ये करा ना, ये मशीनों के साथ चलता है, कंप्यूटराइज है, ये जो होते हैं ये ऊपर होगा, पानी नीचे से इधर चला जाएगा। ऊपर कब कटेंगे? लेकिन ये पॉइंट रखे हुए हैं ना, ये भी खुला हुआ है, ये धुंध पता किस लिए नजर आ रही है, अब पानी चल रहा है, इसलिए जब रुक जाएगा ये धुंध खत्म हो जाएगी, उधर देखो कम हो गई हो जाए, उधर पानी में करे पानी हो जाए। अच्छा बस ऐसे ही चलता है? पुल कब चलता है? पुल नहीं चला, पुल गिरने का भी खतरा ना, इस पुल को गोरों ने बनाया था। ये सामने इंडिया है, ये टोटल इंडिया है, ये चार नंबर दर है, उधर भी गए हुए हैं हम, उधर जाकर चीज पकड़ रहे हैं। अच्छा ये बंद पता क्यों लगाए हुए हैं? हाँ जी, इसलिए जब वो पानी छोड़ दे ना, ये कुछ नहीं, उधर से खल्ले आती है, ये देखो पुल हाथ है। हाँ ये ये जब उधर से पानी आता है, इधर बंदे इधर पुल के ऊपर आर्मी जो ना, ये दोनों तरफ ये सारी आर्मी है, ये टोटल आर्मी है, इधर बैठी हुई बैठी हुई अंदर। हाँ ये टोटल आर्मी है, इधर भी आर्मी, ये साइड भी आर्मी है, ठीक है। ये मैं जिला नहीं नहीं, ये गाड़ियों की, इसमें वो सड़िया वगैरह पड़ा हुआ टोटल, अगर चलने की कोई बात नहीं है। इधर जब खतरा होता ना, इन्होंने टोटल बंदे और जितने भी बंदे ना इधर पुल बंद कर देते हैं, उधर पानी आता है, छल्ले लगाते हैं, बंदे डरते हैं फिर से। ये टोटल दो पानी, एक सामने से, एक ये दरहत के बड़ी साइड चुना जो कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं इंडिया की तरफ, उधर से ये ठंडा पानी आ रहा है, एक तरफ तवी का है, एक चुना का। ये कितनी स्पीड से आ रहा है? नहीं है, ये हैदरमल है, इंडिया का सबसे पहला ये नाका ये। उन्होंने पानी छोड़ना वो टावर लगा ना, उन्हें पता होता है कि कितना दिन पानी, उन्होंने बकायदा रास्ता करना कितना पानी छोड़ना है, उसके मुताबिक छोड़ना रास्ता भी होता है, रास्ता ही क्या होता है, उनको पता होता है जो पानी का आगे गाँव है, ये आगे ऊपर की तरफ गाँव भी है, इस साइड भी ये ले जाता है सार, इतना डेंजरस बन जाता है। उस जगह पे नहाते हैं लेकिन बंदे मरते हैं, वो देते हैं
वो जो जगह है उधर है, उधर जितने बंदे जितने मरते ना उधर पानी दे जाता है। पानी क्या ये आज इधर इतना पानी है, इतना का पानी है कल इसी जगह पे बंदा है, नीचे रेत है हल लगती ना रेत उसके दूसरी जगह पे चली जाओ उधर ब्रांड खड्डा पानी इस तरह है। तो फिर उसकी लाश भी नहीं बाहर निकाल सकते? लाश क्या कितने कितने दिन मिलती नहीं है, 7-8 दिन के बाद जाके मिलती हैं। वो 1122 वाले आते हैं कश्ती लगाते हैं अंदर, वो देखा ना वो कश्ती जा रही है, वो उस जगह पे जाएगी उधर से घूम के फिर वापस आएगी। तो बंदे डूबेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं वो? नहीं वो इधर के रहने वाले ना उन्हें पता है कि संगत चलाना है, मैं तो उधर के दरे बंद किए हुए हैं उन्होंने दरे इस साइड के पानी। वो 2-3 कश्तियाँ आ रही हैं। यहाँ पे उनका कहना था कि बहुत ही ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे मरते हैं और जो उनकी लाशें हैं वो कई कई दिनों तक मिलती नहीं है। आग अगर इधर घुटने घुटने तक पानी है तो 1-2 मिनट में ही पूरा बंदा भी डूब सकता है। अभी यहाँ पे जो मैं आपको सारे दरे दिखाने वाला हूँ, एक रिस्क लेके अपना मोबाइल बाहर निकाल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जो दरे हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देख पा रहे हैं एंड तक तोड़ो तोड़ यहाँ पे दरे हैं। अगर यहाँ पे मेरा मोबाइल छूट जाता तो ये मिलने नहीं वाला, इसलिए थोड़ा सा अंदर ही रख लेते हैं। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। और अभी जो टाइम है वो शाम का हो चुका है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है और धुंध भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ठंड इस तरह की है जैसे हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं। What we do here is go back. गाइस यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ठंड और धुंध बढ़ी जा रही है, इसलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।